ओके अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली रजा और आज हमारे साथ एक छोटे से मेहमान हैं जिनका नाम है हसन जाद। आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे के दिन हसन हमें एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। हसन, हमारे दोस्त आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन जाद और मैं आज एक कहानी कौन सी कहानी सुनाएंगे आज आप हमें? खट्टा बकरा। खट्टा बकरा, बकरा कैसे बोलता है? बे बे। और खट्टा कैसे होता है? जब आप खट्टी चीज, खट्टा कैसे होता है? खट्टा। तो चलें दोस्तों, अब हम हसन से सुनते हैं कहानी जिसका नाम है खट्टा बकरा। खट्टा बकरा, चलें हसन अब इसमें कहानी सुनाते हैं। नींबू के पेड़ पे एक बकरा रहता। नींबू शाम सवेरे खाता, खाता जाता, खाता जाता, इतना खाता गच्छ जाता, खाता जाता, खाता जाता, इतना खाता खट सो जाता। कच्चे नींबू, पक्के नींबू, गोल नींबू, तिरछे नींबू, नीले पीले, नीले नीले, खाता जाता, खाता जाता, इतना पक्के नींबू, कच्चे नींबू, कड़वे छिलके, खट्टे नींबू, नीले पीले, नीले नीले, खाता जाता, खाता जाता, इतना खाता गच्छ हो जाता, खट्स हो जाता। पेड़ के छाँव में शेर था बैठा, थोड़ा सा ताक लगाए, बकरा पेड़ से कब उतरेगा और उसका नवाला होगा, और उसका नवाला होगा। और एक सुबह सवेरे बड़ी बड़ी जमाइयाँ लेते बकरे साहब नीचे आए, फिर शेर के जाल में फंसे, भूखे शेर के जाल में फंसे। दौड़ के शेर ने बकरा पकड़ा, आंगतू आंगतू करके फूका, ऐसे जैसा खत खट्टा बकरा, छिलके जैसा कदुआ बकरा। दौड़ के शेर ने बकरा पकड़ा, आथू आथू करके फूंका, नींबू जैसा खट्टा बकरा, छिलके जैसा कदुआ बकरा। उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और हसन, आप हमें लिटरेसी डे के दिन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, जो भी आपके दोस्त बच्चे आपको देख रहे हैं? मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि बुक्स पढ़ने अच्छा होता है, क्योंकि बुक्स अच्छे होते हैं। वेरी गुड। तो उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और जैसे कि हसन ने कहा कि हम सबको बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा होता है, तो हमें इजाजत दें, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।